होस्ट मीन्स जिस होटल में था इसी होटल का रिसेप्शनिस्ट है। क्या नाम है आपका? सर मदन दास। मदन दास, यू आर बंगाली? असामीज। अच्छा प्रोफेसर, वो दोस्त है वो असामीज है, असम तो मिजोरम टूरिस्ट लॉज में काम करते ही है। में आपको दिखने मिलेगा जंगल ही जंगल, पहाड़ और कुछ नहीं मिलेगा इधर। वही शटल से मुझे एयरपोर्ट जाने के लिए 4 किलोमीटर रास्ता जाना पड़ेगा और भैया ने हमें लिफ्ट दे दी, उनका कोई ब्रदर वहाँ पे काम करते हैं एयरपोर्ट में। सो थोड़ा बहुत बारिश भी हो रहा है लगा। आप विदेश में आ गए, उन लोगों का कल्चर देखोगे तो। और जानते भैया, मैं आसाम में था, दरंग में। आपका घर कहाँ है आसाम में? गुवाहाटी में। अच्छा, मैं आसाम में गया था और आसाम दरंग डिस्ट्रिक्ट में 1 साल रहा। मंगलदई जानते ना, मंगलदई? हाँ, मंगलदई में रहा था। उस तरह उदालगुरी होके भूटान गया था घूमने। साइड में जंगल है, जंगल के कारण पहाड़ नहीं दिख रहा है, नहीं तो आपको पहाड़ बादल और सारा चीज़ दिखने मिलता। ये देखिए जंगल का क्या क्या पेड़ है। थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है तो मैं भीग रहा हूँ। टेम्परेचर आज इतना कम नहीं है, लगभग 7-8 है, तो 7-8 मीन्स यहाँ पे गर्मी है इस टाइम में। ये देखिए कैसा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आओगे और मिजोरम नागालैंड अरुणाचल नहीं घूमोगे तो नॉर्थ ईस्ट देखना संपूर्ण नहीं होगा। और मिजोरम का ये खासियत है, वहाँ का क्रिश्चियनिटी का जो स्ट्रेंथ है जैसा छा गया, मीन्स समाज का बोलिए, सोसाइटी का जो मेन पावर हाउस होता है वो है उन लोगों का चर्च। और लगभग 89-90% पर इंसान यहाँ पे क्रिश्चियनिटी एडॉप्ट किए हैं और बाकी रह गया कुछ बुद्धिस्ट है और कुछ थोड़ा बहुत बचा है नेपालीज और हिंदुज़म है। और यहाँ का ये संडे है इसलिए मुझे गाड़ी नहीं मिला, यहाँ पे गाड़ी नहीं चलता। तो जो भैया है जिस होटल में रुका था वो भैया ने बोले चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ उधर एयरपोर्ट तक, तो मुझे एक लिफ्ट मिल गया तो उनका शुक्रगुजार हूँ मैं। तो संडे का ये होता है, कोई दुकान वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको, सारा का सारा चीज़ बंद रहता, इवन कुछ नहीं पब्लिक व्हीकल तो नहीं होता और प्राइवेट भी नहीं चलता, बहुत कम, दुकान बिल्कुल बंद रहता है। और वो लोग इस दिन के लिए चार्ज के लिए रखते हैं प्रेयर करने के लिए। देखिए रास्ता कैसा है, बारिश का सीजन हो गया। दिस
ओडिशा में आपको जंगली जंगल मिलेगा पहाड़ में, तो जो बादल का जो खूबसूरत सीनारी होता है वो नहीं मिलेगा आपको इधर, थोड़ी देर बाद मिल सकता है। और बादल छा गया तो इसलिए बारिश हो रहा है, इसलिए नेचुरली जो व्यू है ना वो भी साफ नहीं है। ये देख लीजिए कि सब घर बना के रखे, देखिए इस तरह का घर है वहाँ का, ऐसा ही इंसान रहते हैं। कभी घूमने आइए आइजोल, फिर मज़ा लीजिए यहाँ का रोड जर्नी का, बहुत एडवेंचरस होता है। एक एक जगह में जाने के लिए नाइट जर्नी कीजिए, 8 घंटा 10 घंटा मिनिमम चाहिए होगा, और बहुत लोकल पीपल के साथ आप जा सकते हैं, उन लोग का कल्चर सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ये हो गया एयरपोर्ट जाने का रास्ता।